अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी एस एन जेनेरिक फॉर ऑल। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे गैस्ट्रक्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह एसिड सिक्रीशन होती है पेराइटिस के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गर्ड, जिसके लिए हम ये सारे क्लासेज आज वन बाय वन रीड करेंगे। एंटासिड, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंटीमाइक्रोबियल्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा पूरा मैकेनिज्म। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो देख लें, तभी आपको ये समझ आ सकता है ड्रग का मैकेनिज्म। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वी विल डिस्कस ड्रग विच न्यूट्रलाइज एसिड्स कॉल्ड एंटासिड्स। वो ड्रग्स जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड को उसके मैक्सिमम पीएच पे ले आती हैं 7 पे, या कि अगर बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट का जो हमने पीएच पढ़ा है वो 1-4 है, अगर इससे भी और कम हो जाता है तो उसको वापस से न्यूट्रलाइज करें, यानी कि 1-4 पे लाने के 4 पर लाने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड अटैम्प्ट टू केमिकली न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, इसको स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली एंटासिड जो होते हैं ये ड्रग बनी किस लिए होते हैं, बनी किस सब्सटेंसेस से बने होते हैं, तो ये ड्रग जो होते हैं ये बेसिस से बने होते हैं। एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होती है, और बेसिक अल्कलाइन कंडीशन को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर हम एसिडिक कंडीशन पढ़ें तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होगी। बेस में हमारे पास कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड से मिलके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स के कंपाउंड होते हैं, जो कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं और ये एंटासिड ड्रग्स बनाते हैं। बेस अब ये रिएक्शन किस तरह करता है, किससे हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। एंटासिड जो होते हैं बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम एंड क्लोरीन ये आपस में मिलके बना लेते हैं सॉल्ट AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोक्साइड मिल जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ एंड वाटर बना लेता है, सो दिस इज न्यूट्रलाइज्ड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेसिकली ये रिएक्शन होता किस तरह है, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व। एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है एंड क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। सो पॉजिटिव एंड माइनस मिलते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलते, तो Al जो है ये Cl3 के साथ मिल जाता है एंड OH जो है ये H के साथ मिल जाता है। इस तरह सॉल्ट बन जाता है एंड वाटर न्यूट्रलाइज हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी इसी तरह होता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट में भी इसी तरह होता है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एल्युमिनियम। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है आपने, जो कि एंड तक इस चैप्टर में आपके काम आने वाली है, जब हम एंटी डायरियल एंड कॉन्स्टिपेशन वाले ड्रग्स पढ़ेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है इस एंटासिड का, कंस्टिपेशन कॉज करता है। ओके, कंस्टिपेशन कॉज करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, डायरिया कॉज करता है। एक चीज मजे की बात बता देती हूँ, तो इसीलिए जब डायरिया होता है तो हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक के तौर पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटासिड का, न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। ऊपर हमने केमिस्ट्री पढ़ ली है उसकी। इसके यूजेस किस लिए होते हैं, जब इनडाइजेशन होती है, डाइजेशन नहीं हो पा रही होती, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता। रिफ्लेक्स और इसोफेगाइटिस में अगर गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो जैसे कि स्टमक है उसका, और ये इसोफेगस, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ऊपर की तरफ इसोफेगस की तरफ मूव करे तो इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेन और बर्निंग कॉज होती है पेप्टिक अल्सर की वजह से।
पेप्टिक अल्सर्स के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. प्रोटेक्टिव एजेंट्स, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि फिजिकल बैरियर यानी कि म्यूकस बैरियर प्रोवाइड करती हैं ताकि स्टमक के टिश्यूज़ को इन्फ्लेम्ड होने से बचा सके. इसमें ड्रग्स आती हैं सुक्रालफेट एंड बिस्मिथ सबसैलिसिलेट. सुक्रालफेट एंड बिस्मिथ सबसैलिसिलेट जो होते हैं ये साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं. साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड हम किन कंपाउंड्स को कहते हैं? ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे स्टमक को हमारे स्टमक में अगर अल्सर कॉज हो जाता है तो उसे ट्रीट करती है. लेकिन किस तरह ट्रीट करती है? ना ही उसके एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करती है और ना ही उसके एसिड कंटेंट को इनहिबिट करती है रिलीज होने से, बल्कि ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प करती है. म्यूकस सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है. ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो होता है, स्टमक लाइनिंग जो होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. इस तरह से जो मेडिकेशंस हमारे म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प करती हैं उस तरह से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती हैं, स्टमक लाइनिंग को पेप्टिक अल्सर से हमें बचाती हैं, इसे हम कहते हैं साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड. ये ना ही इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को और ना ही उसे न्यूट्रलाइज करती हैं, सिर्फ म्यूकस जो है उसकी सिक्रीशन में हेल्प करती हैं. इससे क्या होता है कि म्यूकोसल इंजरी नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती और हमारे अल्सर जो हैं वो आसानी से हील हो सकते हैं. सुक्रालफेट जो है मार्केट में हमारे इस दो उसमें अवेलेबल कैराफेट और सल्क्रेट के नाम से अवेलेबल है. सुक्रालफेट डाइसैकेराइड है. ये सैकेराइड है जो कि जब हम ले लेते हैं तो स्टमक में जाके जब स्टमक एसिड कॉन्टेंट में आते हैं, एचसीएल के कॉन्टेंट में आते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इंटू सक्रोज सल्फेट एंड एलुमिनियम सॉल्ट में. नेगेटिवली चार्ज सक्रोज सल्फेट जो होता है ये बाइंड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ, जो कि जहाँ पे अल्सर बना है वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उनके साथ बाइंड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज सक्रोज सल्फेट और फिजिकल बैरियर बनाता है जो कि अल्सर को फर्दर डैमेज होने से बचा लेता है. और हम समझें जैसे कि अगर ये हमारा स्टमक की क्लाइनिंग है, यहाँ पे अल्सर कॉज हुआ हुआ है, हमने म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग ले ली है इसे इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए. ये म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट सुक्रालफेट है. सुक्रालफेट आई और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगी. जब एचसीएल के कॉन्टेंट में आएगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी इंटू सक्रोज सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट. ओके, इन दोनों में ये दो कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गई है 1 एंड 2. सक्रोज सल्फेट जो होता है यह नेगेटिवली चार्ज होता है. यहाँ पे जो इरोजन हुई है अल्सर की वजह से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं. नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज सक्रोज सल्फेट एंड पॉजिटिवली चार्ज जो इरोजन के प्रोटीन्स हैं ये आपस में एडहेयर हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. तो ये सक्रोज सल्फेट जो होता है, सुक्रालफेट जो हमने ड्रग ली है, ये इसे इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव एजेंट बना ले प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है म्यूकस की, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा अल्सर प्रोटेक्ट रहता है. एचसीएल जो है फर्दर उसे और डैमेज होने से बचा लेता है. ये सिर्फ ट्रीट नहीं करता, सिर्फ डैमेज होने से बचा लेता है, प्रिवेंशन में हेल्प करता है. होप सो आपको ये समझ आ गया होगा. म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट बिस्मिथ सबसैलिसिलेट जो होता है ये अल्सर की हीलिंग में हेल्प करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करता है, पेप्सिन की एक्टिवेशन से बचाता है, वो एक्टिवेट नहीं होने देता, उसे इनहिबिट कर देता है, म्यूकस की ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन करता है ताकि जो नेक्रोटिक टिश्यू है अल्सर से डैमेज जो टिश्यू हो गए हैं अल्सर जो है उसके प्रोटेक्टिव एजेंट में कवरिंग बना लेता है ताकि वो आसानी से हील हो सके. अब हम पढ़ेंगे वो ड्रग्स जो कि डिक्रीज़ करती हैं एसिड सिक्रीशन को, जिसमें दो मेनली ड्रग्स आती हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर. जो हमने पहले दो ड्रग्स पढ़ी एंटासिड्स जो कि सिर्फ न्यूट्रलाइज कर रही थी एसिड कंटेंट को, फिर हमने पढ़ी म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट जो कि सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प कर रही थी, प्रिवेंशन में हेल्प कर रही थी, पेप्टिक अल्सर को हील करने में हेल्प कर रही थी. अब हम पढ़ेंगे जो कि रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती हैं
और उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। यहाँ पे जो ड्रग्स दी गई हैं नेम ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल एंड एसोमेप्राजोल आर अवेलेबल एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एसोमेप्राजोल आर हाईली यूज्ड होती है फॉर एसिड स्टमक की डिजीज़ के लिए, जैसे जो कि राइजेक के नाम से बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। सिमेटिडीन, ब्रैनिटिडीन, फैमोटिडीन एंड निज़ेटिडीन ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जो कि हिस्टामिन को के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिसमें से रैनिटिडीन, ज़ैंटिक जो है ये बहुत ज़्यादा इन है मार्केट। अब हम बढ़ेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम से ही जाहिर होता है जो कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को इनहिबिट करेंगे। कॉमन सबसे पहले अगर हमें समझना है इसे, हम पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस कर चुके हैं पैराइडल सेल का जो पूरा मैकेनिज्म था वो हम इसमें वापस देखेंगे, फिर से आपका रिपीट भी हो जाएगा अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन वो वीडियो लाजमी देखें क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। सो जैसे कि हमने पढ़ा प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, यानी कि इस प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट करने वाला ड्रग जो कि है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं, लैंसोप्राजोल, इसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल आते हैं, ये सारे आते हैं। सो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जैसे इसोमेप्राजोल आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली ब्लॉक करता है इस प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर को। सो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल ड्रग जो है हमारे उसमें, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल ड्रग है फॉर स्टमक अल्सर्स के लिए, पेप्टिक अल्सर्स के लिए। इसोमेप्राजोल ब्लॉक करता है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर को। जब प्रोटॉन पम्प इनहिबिट हो ही जाएगा, लेकिन अगर चाहे यहाँ पे हिस्टामिन आ जाए, वो अटैच हो जाए, सारा साइकिल रिपीट होगा, लेकिन प्रोटीन काइनेज जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से आके ये ड्रग बाइंड हो जाएगी तो प्रोटीन काइनेज जो है वो इसे एक्टिवेट नहीं कर पाएगी और हाइड्रोजन जो है वो स्टमक के अंदर सिक्रीट नहीं होगा। मैकेनिज्म समझने के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, PPIs भी हम इसे कह सकते हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिट करती हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्रीटिंग एसिड फ्रॉम गैस्ट्रिक पैराइटिस सेल्स ऑफ द स्टमक। हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम जो होता है ये हाइड्रोजन पोटाशियम की एक्सचेंज करता है, जिससे पे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl बनता है। इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो हैं PPIs के वो क्या क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नौशिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फैटिक, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। फॉर द बेस्ट रिजल्ट के लिए हम ज़्यादा जितनी भी PPI ड्रग्स होती हैं, अगर हमने उसे इफेक्टिव तरीके से हम चाहते हैं कि उसका इफेक्टिव रिजल्ट आए, तो उसके लिए हम जो भी हम मील टेक कर रहे हैं उससे 30 मिनट्स पहले हमने ये लेनी होती है ये ड्रग्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि काफ़ी देर तक हमारा जो ये ड्रग है, जो PPI है, ये काफ़ी देर तक हमारे स्टमक एसिड को शट डाउन करके यानी कि सप्रेस करके रख सकती है, और हार्ट बर्न से हम बच सकते हैं, इन्फ्लामेशन से बच सकते हैं। ये ड्रग जो है जितनी भी PPI ड्रग्स हैं ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज यानी कि जो प्रोटॉन पंप होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है, सप्रेस करती हैं हाइड्रोजन आइंस की सिक्रीशन को इन द गैस्ट्रिक ल्यूमेन में, इनहिबिट करती हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जब हाइड्रोजन जो है वो पंप नहीं होगा तो हमारे पास HCl नहीं बनेगा। मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटॉन पंप इज़ द फाइनल स्टेप होता है इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि जितना भी प्रोसेस होता है पैराइटल सेल में जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें लास्ट स्टेप जो होता है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप जो कि एटीपेज होता है जो कि प्रोटॉन पंप है वो होता है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो एसिड जो है वो बनेगा ही नहीं। और ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं H2 एंटागोनिस्टिक से, जो कि सिर्फ सप्रेस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को और ये पेप्टिक अल्सर के हीलिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। PPIs जो होते हैं ये प्रोड्रग्स होती हैं, जितनी भी PPI ड्रग्स हैं ये प्रोड्रग्स होती हैं। प्रोड्रग्स का क्या मतलब होता है, प्रोड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, लेकिन ये कब एक्टिव होती हैं, जब इस पे कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है या फिर ये किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरती है तब ये एक्टिव हो जाती हैं, इसे हम प्रोड्रग्स कहते हैं। यानी कि PPI जो होती हैं इसके ऊपर ये जो ड्रग्स होती हैं ये बनाई गई ऐसी होती हैं कि इसके ऊपर एसिड रेजिस्टेंट एंटेरिक कोटिंग होती है, यानी कि एसिड रेजिस्टेंट एसिड को रेजिस्ट कर सकती है, ऐसी एंटेरिक कोटिंग बनाई हो गई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम ये ओरली लेते हैं तो ये हमारे गैस्ट स्टमक में जब चली जाती है
तो वहाँ पे ये स्टमक के एसीएल कॉन्टैक्ट एनसीएल जो एचसीएल होता है कंटेंट होता है स्टमक में उसके कॉन्टैक्ट में आने से इसकी प्री मेच्योर डिग्रेडेशन नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे ये डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि क्या होता है इस कोटिंग की मदद से जो एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग है इसकी वजह से क्या होती है कि ये कोटिंग जो है ये तब रिमूव होती है जब ये डिडुनम में यानी कि अल्कलाइन कंडीशन में अल्कलाइन मीडियम में अल्कलाइन एनवायरनमेंट में चला जाता है डिडुनम के, तब ये कोटिंग इससे रिमूव्ड हो जाती है और ये वहाँ पे इंटेस्टाइन में डिडुनम में एब्जॉर्ब्ड हो जाती है एंड देन ट्रांसपोर्ट होती है टू द पेराइटल सेल्स। यानी कि अगर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे है, जैसे कि अगर ये स्टमक है और यहाँ से डिडुनम स्टार्ट हो रहा है, देन ओरली लेते हैं एससीएल के कंटेंट में आने से ये डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे कि ये एक पीपीआई कोई ड्रग है इसके ऊपर एक ऐसी इंडायरेक्ट कोटिंग भी होती है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती है इन द स्टमक, बल्कि इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द डिडुनम जब इंटेस्टाइन में आ जाती है, यहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पेराइटल सेल्स तक चला जाता है और वहाँ पर प्रोटोन पम्प को इनहेबिट कर देता है। ओके, इसे हम कहते हैं प्रोड्रक्स। अब ये वहाँ पे जाके क्या होता है कि हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे जाता है स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस के साथ और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है और इस एंजाइम को यानी कि जो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस एंजाइम था जो कि एक्टिवेट कर रहा था प्रोटॉन पंप को उसे रिसाइकल होने में 18 आवर्स लग जाते हैं, यानी कि ये काफ़ी देर तक काफ़ी आवर्स तक पीपीआई ड्रग जो है वो एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकती है। एट स्टैंडर्ड डोजेस पे जितनी भी पीपीआई ड्रग्स होती हैं ये इनहिबिट करती हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को 90%, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं एंड ट्रीटमेंट लिहाज से ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। पीपीआई के थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं? पीपीआई जो है इसे हम किस वजह से H2 एंटागोनिस्टिक जो होते हैं उस पर सुपीरियॉरिटी देते हैं, क्योंकि ये सप्रेस करते हैं एसिड प्रोडक्शन को एंड हीलिंग करते हैं पेप्टिक अल्सर को, बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड ड्रग की जाती है प्रेफर्ड की जाती है। स्ट्रेस अल्सर ट्रीटमेंट एंड प्रोफेलक्स के लिए ट्रीट किया जाता है। प्रोफेलक्स हम किसे कहते हैं, यानी कि अगर हमें प्रोफेलक्स हम कहते हैं कि अगर किसी को रिस्क होता है किसी डिजीज़ के होने से पहले या किसी डिजीज़ के ठीक होने के बाद हम ये देते हैं, जैसे कि अगर किसी की सर्जरी हो रही है कोई वो है तो उस सर्जरी से पहले यानी कि उसे रिस्क ना हो हाइपरक्लोरीडिया का ज़्यादा एचसीएल कंटेंट का रिलीज़ होने का रिस्क हो तो हम उसे सर्जरी से पहले दे देते हैं पीपीआई ड्रग, ताकि एसिड सिक्रीशन जो है वो थ्रू द सर्जरी थ्रू आउट सर्जरी इनहिबिट रहे। और या फिर अगर सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही होती हैं अबाउट रिगार्डिंग एचसीएल कंटेंट के इंक्रीज होने की, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर हो सकता है किसी पेशेंट को, तो उसके सर्जरी के बाद अगर हम देते हैं तो उसे हम प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज़ से। तो सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद जो हम रिस्क को प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज़ के होने से या अल्सर के होने से जो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड प्रोफिलैक्सिस। ओके, ट्रीटमेंट ट्रीटिंग इरोसिव एसोफेगाइटिस एंड एक्टिव डिजोनल अल्सर। एसोफेगाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओसोफेगस अगर हो जाती है थ्रू गर्ड की मदद से, जो गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है यानी कि स्टमक कॉन्टेंट जो होता है वो स्टमक से ओसोफेगस में चला जाता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और डिजोनल अल्सर इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन। हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन अगर हम इसका लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन में। हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन ज़ोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर इलिसन सिंड्रोम क्या है? ज़ोलिंगर इलिसन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। ओके, इसमें क्या होता है ट्यूमर फॉर्मेशन होती है और ये ट्यूमर फॉर्मेशन किन सेल्स की होती है, किन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन होती है। एबनॉर्मल ट्यूमर हम किसे कहते हैं, एबनॉर्मल डिवीजन जब होती है सेल्स की, और ये एबनॉर्मल डिवीजन किन सेल्स की होती है, गैस्ट्रीन हार्मोन जो है
ये जिन सेल से बना होता है उन सेल की एबनॉर्मल डिविजन होती है। गैस्ट्रीन हार्मोन जिन सेल से बना होता है उन सेल की एबनॉर्मल डिविजन होती है, ट्यूमर्स बनते हैं उन सेल के। तो जब एबनॉर्मल डिविजन हो जाएगी, ट्यूमर्स बनेंगे, तो हमारे पास जितने हमें चाहिए गैस्ट्रीन रिलीज़ करने के लिए जितने सेल्स चाहिए उससे ज़्यादा हो गए हैं, ट्यूमर्स बन गए हैं, तो ज़्यादा गैस्ट्रीन रिलीज़ होगा। गैस्ट्रीन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो पैराइटस सेल स्टिमुलेट ज़्यादा होगा। पैराइटस सेल स्टिमुलेट ज़्यादा होगा तो HCL कॉन्टेंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ज़ोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। इसमें टू मच एसिड सिक्रीशन होती है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ गैस्ट्रीन सिक्रीशन थ्रू बिकॉज ऑफ ट्यूमर। होप सो आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को कहीं पर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। PPI थेरापेटिक यूजेस में आते हैं कि ये गर्ट के लिए, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा फेवर्ड किया गया है। ओवर H2 एंटागोनिस्टिक के उस पर हम इसे ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं। ये PPI ड्रग्स जो होती हैं ये अल्सर ब्लीडिंग, जिनको अल्सर हो और उस ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ज़्यादा सही होती हैं। और जो लोग नॉन टर्म एस्पिरिन वगैरह या नॉन जितनी भी पेन किलर्स होती हैं, एनसिड्स होती हैं, उनको अगर यूज़ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है अल्सर ब्लीडिंग का, उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। यूज़ विद एंटी माइक्रोबियल रिजिम टू इरेडिकेट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंटी माइक्रोबियल रिजिम के साथ हम इसे कम्बिनेशन में देते हैं और एंटीबायोटिक के साथ एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स हमारे पास कौन से ड्रग्स होती हैं? H2 ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हिस्टामिन H2 रिसेप्टर जो होता है ऑन द पैराइटस है उनको ब्लॉक कर देता है, यानी कि हिस्टामिन को अटैच होने नहीं देता। इसके लिए हम वापस इस डायग्राम पे आएंगे। इस हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे है, जो कि GS प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है। GS प्रोटीन एडिनाइन साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। एडिनाइन साइक्लेज साइक्लिक AMP पाथ स्टार्ट करता है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, फिर हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase एंजाइम एक्टिवेट हो गया, प्रोटॉन पंप जो है उसके ज़रिए से एक्सचेंज होती है हाइड्रोजन की और पोटाशियम की। सो सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये हमने जितने भी पढ़े ये सारे H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्टिक हैं, ड्रग्स हैं, जो कि क्या होता है कि जब हम ये ड्रग्स लेते हैं तो हिस्टामिन के बजाय इस रिसेप्टर पे आके ये ड्रग्स अटैच हो जाती हैं और हिस्टामिन को अटैच होने नहीं देती, उसे इनहिबिट कर लेती है उसके अटैचमेंट को। इस तरह क्या होता है कि GS प्रोटीन स्टिमुलेट होता है, ना ही एडेनाइन साइक्लेज स्टिमुलेट होता है, ना ही AMP पाथवे स्टार्ट होता है, ना ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा और ना ही प्रोटॉन पंप से हाइड्रोजन की सिक्रीशन होगी। इस तरह ये ब्लॉक हो जाता है। सो अगर एक स्टेप इसमें ब्लॉक होता है तो बाकी सारा स्टेप भी ब्लॉक हो जाता है। ओके, वापस चलते हैं हम अपने H2 रिसेप्टर की तरफ। ओके, सो हिस्टामिन रिसेप्टर जो है ये क्लासिफाई किया जाता है H2 रिसेप्टर, और H2 एंटागोनिस्टिक हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट करें हिस्टामिन एक्टिवेटेड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। साइड इफेक्ट इसके सेम है एज PPI के, हेडेक, नोशिया, डायरिया, एबडोमिनल पेन, डिजनेस एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सिमेटिडीन जो है इसका एक वो हमारे पास आ जाता है कि सिमेटिडीन जो है ये एसोसिएटेड होता है विद गाइनिकोस्मैशिया, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मैन, यानी कि मेन में इसका एक एडवर्स इफेक्ट सा होता है कि अगर हम ये हाई डोजेस पे ले लेते हैं तो ये ब्लॉक कर देता है टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर को, एंड्रोजन रिसेप्टर जो है उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल में कम हो जाता है और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है मैन में। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक थेरापेटिक यूजेस क्या कौन कौन से हैं? पेप्टिक अल्सर के लिए हम यूज़ करते हैं, एक्टिव स्ट्रेस अल्सर के लिए, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपको हर ड्रग का मैकेनिज्म, उसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स याद होने चाहिए। प्रोस्टाग्लैंडिंस, अब हम आते हैं हमारे मज़ेदार टॉपिक प्रोस्टाग्लैंडिंस पे। प्रोस्टाग्लैंडिन ई प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके लिए हमें फिर से उसी डायग्राम की तरफ जाना होगा।
यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें, जैसे कि यहाँ पे मिसोप्रिस्टो स्टिमुलेट द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर होता है, लेकिन अगर ये रिसेप्टर अगर हम नॉन एसिड ड्रग्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर हो रहा होता है, गैस्ट्रिक एससीएल कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी को नहीं पता चल रहा होता, वो उसे होम्योस्टेट उसका बैलेंस नहीं कर पाती, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गया है एसिड्स की वजह से, तो इसे काफ़ी ज़्यादा अल्सर ब्लीडिंग का रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर नॉन एसिड लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो रहे, तो स्टिमुलेट करने के लिए हम बाहर से सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिंस लेते हैं, जो कि अवेलेबल है एज मिसोप्रिस्टोल। मिसोप्रिस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि हम ले लेते हैं, तो इस रिसेप्टर पे आके ये स्टिमुलेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जो कि स्टिमुलेट करता है जीआई इनहिबिटरी प्रोटीन को, ये इनहिबिट कर देता है एडिनाइन साइक्लेज को, एडिनाइन साइक्लेज इनहिबिट होता है, साइक्लिक एएमपी इनहिबिट हो जाता है, प्रोटीन काइनेज इनहिबिट होता है, एंड देन प्रोटोन पंप इनहिबिट हो जाता है, एंड एचसीएल सेक्रेशन इज इनहिबिटेड। प्रोस्टाग्लैंडिन का दूसरा क्या काम होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेसिव म्यूकोसा सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, और साथ में बाइकार्बोनेट सिक्रीट, ताकि अल्कलाइन कंडीशन हो जाए थोड़ी सी, यानी कि उसे बैलेंस कर सके हाई एसिडिक कंटेंट को। प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफिशेंसी की वजह से पेप्टिक अल्सर के होने का बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्लड फ्लो जो है टू द म्यूकस वो इंक्रीज कर देती है, ताकि अगर अल्सर हुआ है तो म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, ताकि वो अल्सर को प्रोटेक्ट करे और उसे जो हीलिंग टाइम मिल रहा है उसमें वो आसानी से हील कर सके और एसिड के कंटेंट में ना आए। मिसोप्रिस्टोल ये स्टेबल एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन का, अप्रूव्ड हुई है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर के लिए यूज होती है, जो कि एसिड्स की वजह से हो। ये लेस इफेक्टिव होती है H2 एंटागोनिस्टिक और PPI से, लेकिन एक्यूट पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये भी साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन शो करती है, यानी कि ना ही इनहिबिट करती है एसिड कंटेंट को, ना ही न्यूट्रलाइज करती है एंटासिड्स की तरह, बल्कि सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा कर देती है, ताकि वो भी हाई डोजेस पे हमें ये देना पड़ता है। मिसोप्रिस्टोल जो होती है ये यूट्रीन कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि इसके ये यूट्रीन कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से डिसलॉजिंग ऑफ फीटस हो सकता है, इसीलिए मिसोप्रिस्टोल ये हाईली कंट्रा इंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी, इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट में फिर इसके सेम डायरिया एंड नोशिया। देन हमारे लास्ट क्लास पे आते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम एच पाइलोरी के लिए यूज़ करते हैं। गर्ड जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता विद एच पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ, और ना ही हम गर्ड के लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एच पाइलोरी के लिए हम कम्बिनेशन थेरापी यूज़ करते हैं, या तो ट्रिपल थेरापी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रपल थेरापी यूज़ करते हैं। ट्रिपल थेरापी में हम PPI देते हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एक ड्रग हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, एक मेट्रोनिडाजोल या फिर एमोक्सिसिलिन में से दोनों में से कोई एक देंगे, और साथ में क्लारिथ्रोमाइसिन देंगे। ये 2 वीक्स का इसका पूरा कोर्स होता है, जो कि करना पड़ता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो। एमोक्सिसिलिन, ओमेप्राजोल और क्लारिथ्रोमाइसिन। ओमेप्राजोल इज़ अ PPI, एमोक्सिसिलिन इज़ अ एंटीबायोटिक, एंड क्लारिथ्रोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक। बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ग्राम नेगेटिव का, उसके लिए हम देते हैं। क्वाड्रपल थेरेपी ऑफ बिस्मस सबसेलिसाइलेट एंड मेट्रोनिडाजोल टिक्रेसाइक्लिन। क्वाड्रपल थेरेपी जो है हम देते हैं, जिसमें एक बिस्मस सबसेलिसाइलेट होती है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीटिंग एजेंट है। दूसरा हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, तीसरा हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं, और PPI देते हैं। ये 4 ड्रग्स हम देते हैं। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एडमिनिस्टर की जाती है, फॉर 2 वीक का कोर्स होता है। ट्रीटमेंट जो है विद सिंगल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स से बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव होता है, इसे हम ये कम्बिनेशन थेरेपी अगर हम देंगे तभी ट्रीट हो सकता है विद सिंगल ड्रग ये ट्रीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रग अफेक्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम
के थर्ड पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है एंटी डायरियल कॉन्स्टिपेशन एंड एंटी इमिटिक ड्रग्स।